हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा टेस्टिवल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बेकरी स्टाइल सुपर डिलीशियस टेस्टी यमी क्यूट पप्पी फेस केक। हम घर में किस तरह से इजीली बना सकते हैं, इस तरह का केक स्मॉल बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं प्रीमिक्स से केक बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 कप प्रीमिक्स लिया है, और आप चाहे तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं। उसका मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ आप वो चेक करिए। लेकिन प्रीमिक्स से केक बनाना बहुत ही आसान होता है, फटाफट से बन जाता है। तो मैंने इसमें 2 स्पून ऑयल ऐड किया है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका बैटर बनाना है, और ये बैटर बहुत लूज़ भी नहीं होना चाहिए। देखिए, इसी तरह धीरे धीरे घुमाते हुए हमें इसका मिक्स बनाना है। बैटर हमें बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना। अब मैं इसमें लेमन कलर ऐड कर रही हूँ, ताकि ये पाइनएप्पल केक है और इसका कलर थोड़ा सा येल्लो दिखने के लिए मैं इसमें कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और अब मैं इसमें पाइनएप्पल एसेंस डाल रही हूँ। हमें 1/2 स्पून पाइनएप्पल एसेंस डालना है, जो कि मेजरमेंट के स्पून होते हैं, उसमें से छोटा वाला स्पून हमें यूज़ करना है। और देखिए, इसी तरह का बैटर होना चाहिए। बैटर अभी परफेक्ट रेडी हो चुका है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं एक केक टिन लेती हूँ। इस केक टिन पर मैंने बटर पेपर लगाया है। आप चाहे तो ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं, या बटर भी लगा सकते हैं, और इसके ऊपर सिंपली मैदा छिड़क के आप केक टिन रेडी कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें बैटर डाल रही हूँ। आज मैं केक माइक्रोवेव में बना रही हूँ। आप चाहे तो ओटीजी में बना सकते हैं, या गैस पर भी बना सकते हैं। गैस पे या ओटीजी में किस तरह से बनाना है वो मैंने मेरे स्ट्रॉबेरी केक के रेसिपी में बताया है, तो प्लीज़ आप वो भी देख लेना, ताकि समझ में आए कि किस तरह से हमें बनाना है। और ये स्पैचुला मुझे स्पेशली बहुत ही पसंद है, क्योंकि इससे बैटर पूरी तरह से निकल आता है। देखिए, हमें इसी तरह से टैप करना है। और पहले मैंने माइक्रोवेव को प्रीहीट किया है, और देन इसमें मैंने बैटर रखा है। तो हमारा केक बिल्कुल बन के रेडी है। देखिए कितना अच्छा फूल के आया है, और मैंने टूथपिक डाल के भी देखा, बिल्कुल क्लीन निकली है। और अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखते हैं, देन हम इसी तरह घुमाते हुए केक को निकालेंगे। इसे निकालने के लिए हमें पहले प्लेट को उल्टा रखना है, और इसी तरह टैप करके हमें निकाला है, इजीली निकल जाता है। वाव, देखिए हमारा केक बढ़िया तरीके से बन के रेडी है, और इसका स्पॉन्ज भी बहुत अच्छा आया है। और अभी मैं बटर पेपर रिमूव करती हूँ। देखिए, इस तरह सिंपली ये भी निकल जाता है, और हमारा केक परफेक्ट बेक हुआ है। अभी मैं इसे कट लगाती हूँ। आप चाहे तो नाइफ से भी इसे कट कर सकते हैं, लेकिन मैं थ्रेड से कट करती हूँ हमेशा। तो अभी थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे इसे अच्छी तरह से, ताकि थ्रेड से हम जब निकालेंगे तो इजीली कट हो जाए। पहले हम ऊपर से इसी तरह से ऊपर का हिस्सा कट करेंगे, देन हमें लेना है थ्रेड। और ये देखिए, इस तरह का मोटा वाला थ्रेड मैं यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो स्मॉल थ्रेड से भी कर सकते हैं। इसी तरह हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। देखिए कितना अच्छा कट लग गया है। और दूसरा भी मैं इसी तरह कट कर लेती हूँ। इससे मैं 3 स्लाइसेस कट करने वाली हूँ। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी स्लाइसेस कट हो चुकी हैं। तो अब हमें चाहिए शुगर सिरप। इसके लिए मैंने यहाँ 3 स्पून शुगर पाउडर ऐड की है, और 2 स्पून पानी लिया है मैंने। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इस पर लगाना है। आपको जितना शुगर सिरप चाहिए उतना आप ज़्यादा या कम बना सकते हैं। और फिर मैंने इसी तरह पाइपिंग बैग में क्रीम डालकर इसे फिल किया है, और इसी तरह मैं लगा रही हूँ क्रीम। इस मेथड से हम क्रीम लगाते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है सब। अब मैंने पाइनएप्पल क्रश इसके ऊपर डाला है, क्योंकि मैं आज पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बना रही हूँ। और देन हमें इसी तरह सारे स्लाइसेस रखनी है, और इसी तरह पहले शुगर सिरप लगाना है, देन क्रीम लगानी है, फिर उसके ऊपर हमें पाइनएप्पल क्रश डालना है। और ऊपर वाली स्लाइस हमेशा उल्टी ही रखनी है। तो देखिए, अभी मैं शुगर सिरप लगा रही हूँ, उसके बाद क्रीम से अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ। लेकिन यहाँ हम
पप्पी फेस केक बना रहे हैं इसलिए इसे क्रम कोटिंग ही करना चाहिए, क्योंकि क्रीम कोटिंग की इसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ। लेकिन एक्चुअली इसके लिए क्रम कोटिंग ही सही है, क्योंकि इसके ऊपर हम बाल निकालने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा क्रीम हमें लगेगी। और इसी तरह हमें इसका थोड़ा सा राउंड शेप देना है ताकि ये पप्पी फेस जैसे दिखे। थोड़ा सा एक किनारे हमें अच्छी तरह से थोड़ी थोड़ी गोल करनी है, आप चाहे तो पूरी राउंड भी कर सकते हैं, उस तरह का मॉडल भी बहुत ही अच्छा दिखता है, लेकिन मैंने सिंपली इसी तरह किया है, देखिए। और फिर हमें इसे फ्रिज में सेट होने के लिए आधा घंटे के लिए रखना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। देखिए मैंने इस तरह का ग्रास का नोज़ल लिया है और इसे पाइपिंग बैग में भर के फ्रंट से थोड़ा कट किया है, और इसी तरह हम ग्लास में पाइपिंग बैग डालेंगे और फिर क्रीम इसमें फिल करेंगे ताकि बहुत इजीली हो जाता है इस तरह का मेथड। देखिए बहुत ही हमारे हाथ भी गंदे नहीं होते। तो मैंने ये क्रीम भर ली है और अब हम बना रहे हैं पप्पी फेस। तो इसके लिए हमें सिंपली एक स्टिक लेनी है और मिडल से इस तरह से लाइन खींचनी है ताकि जब हम इसका फेस बनाए तो ईजिली प्रॉपर तरीके से ये बन जाए। अब मैं इसके आईज और इसके कान बना रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। देन हमें नीचे एक सर्कल खींचना है, इसके लिए आप चाहे तो एक लीड भी ले सकते हैं और इसी से राउंड शेप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी स्टिक से ही कर रही हूँ, आपको जो बेटर लगे उसी से आप करना। और बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और इस केक के लिए हमें क्रीम बहुत अच्छी तरह से बीट करनी है। अभी मैं इसके कान बना रही हूँ, देखिए इसी तरह हमारी क्रीम बैठनी चाहिए अच्छी तरह से, और बैक से भी हम थोड़ा सपोर्ट करेंगे इसे। और इसी तरह से हमें कान इसके निकालने हैं। इसे भी हमें पप्पी का मुंह बनाना है, इसलिए यह थोड़ा बड़ा वाला राउंड करना है। देखिए इसी तरह से हमें धीरे धीरे थोड़ी सी फिनिशिंग देनी है ताकि ये प्रॉपर राउंड दिखे। और आप किसी भी टूटे हुए कार्ड से भी ये इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। मैंने एक प्लास्टिक का टुकड़ा लिया है और उसी से मैं कर रही हूँ। देखिए उसके बाद हमें इस पर ड्रॉ करनी है, उसका नाक वगैरह मुंह बनाना है अच्छी तरह से। देखिए इसी तरह स्टिक के सहायता से हम इसे बनाएंगे ताकि फिर हम जब बाल बनाएंगे तो ईजिली हमें दिखे, और वही का पोर्शन छोड़कर हमें सारी जगह बाल बनाने हैं। देखिए अभी आईज भी हम निकालेंगे इसी तरह स्टिक से धीरे धीरे, इसी तरह आईज का भी पोर्शन हमें छोड़ना है और सारी जगह पर हमें बाल निकालने हैं। तो इसलिए मैंने ग्रास का नोज़ल लिया है। इसी तरह ग्रास के नोज़ल से हमें धीरे धीरे दबाते हुए बाल निकालने हैं। आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े किसी भी तरह के बाल निकाल सकते हैं, बट मैं आज इसी तरह के बाल निकाल रही हूँ, ज़्यादा छोटे भी नहीं ज़्यादा बड़े भी नहीं है। और आज से मैंने केक की सीरीज स्टार्ट की है, तो आज से मैं बहुत अलग अलग टाइप के केक्स बनाना सिखाऊंगी, और जो कोई नए सीखने वाले हैं उनको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी, और क्लास करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, वीडियो देखकर भी आप बहुत अच्छी तरह से केक बना सकते हैं। और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ समझाने की कोशिश करूँगी ताकि जो कोई बिगनर्स है उनको बहुत सारी हेल्प मिले और घर बैठे ही हम बहुत बेकरी स्टाइल केक बनाना सीखे बहुत इजीली। और जब भी हम घर में केक बनाते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और है, हमें खुशी भी ज़्यादा मिलती है। देखिए अभी मैंने एक चॉकलेट गनाश लिया है और उसी से मैं नाक और आईज वगैरह बनाने वाली हूँ। देखिए इसी तरह हमें बनाना है, और आगे मैं बहुत सारे केक के डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ही अच्छी तरह से डीप में दिखाने की कोशिश करूँगी ताकि बिना किसी क्लास के आप घर बैठे बहुत अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से केक बनाना सीखे। और आपको चॉकलेट गनाश किस तरह से बनाते हैं पता नहीं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूँगी। और आपको किस तरह के केक देखना पसंद आएगा वो भी आप कमेंट्स में बता दीजिए, उसी तरह का केक बनाने की मैं कोशिश करूँगी। बहुत सारे केक बनाने के एक्सपर्ट है, मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन कोशिश तो कर रही हूँ। और यहाँ हम निकालेंगे इसकी टंग, और इसी तरह हमें टंग निकालनी है।
आप चाहे तो इसे राउंड भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने इसी तरह से निकाली है। वाओ, सो ब्यूटीफुल क्यूट पप्पी का फेस बन चुका है ऑलमोस्ट हमारा। और यह हम थोड़ा सा फिनिशिंग और देंगे, और कानों को भी हमें इस तरह से पिंकिश कलर देना है। आप और हमारा बेकरी स्टाइल क्यूट पप्पी फेस केक रेडी है। आप भी बनाकर जरूर देखिए। और जब कभी आप अपने बच्चों को इस तरह का पप्पी फेस केक बनाकर बर्थडे को गिफ्ट करेंगे तो उनके तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा, क्योंकि स्पेशली स्मॉल बच्चों को ये केक बहुत ही पसंद होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एन्जॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशा फेस्टिवल।